देखिए गाइस, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास ईश्रम कार्ड है तो देखिए आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पहले क्या, ईश्रम कार्ड पोर्टल से केवल हम ईश्रम कार्ड बना सकते थे और ईश्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते थे, मगर अब ईश्रम कार्ड के पोर्टल से जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वैसे ही देखिए यहाँ पर आप अपनी जॉब को भी सर्च कर सकते कि आपके ईश्रम कार्ड पर कौन कौन सी जॉब आपको मिल जाएगी। और दूसरी बात, आप यहाँ पर जॉब के लिए भी अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्किल इंडिया के थ्रू आप यहाँ पर जॉब भी देख सकते हैं। और अगर आप ई श्रम कार्ड के थ्रू अगर आप डायरेक्ट अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली आप अप्रेंटिस भी कर सकते हैं। श्रम योगी मानधन योजना है, उसके थ्रू आप यहाँ पर पेंशन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लास्ट ऑप्शन में गेट सर्टिफिकेट विद डिजिटल स्किन एंड ट्रेनिंग, आप यहाँ पर एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी इशू करा सकते हैं, वो भी डिजिटल ट्रेनिंग के थ्रू। तो देखिए अब यहाँ पर आपका ई श्रम के कार्ड के माध्यम से आप यहां पर बहुत सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे देखिए यहां पर, तो देखिए आपको ई श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहां पर आ जाना है। यहां पर लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, तो आपको यहां पर टिक करना है। यहां पर लिखा है अपडेट प्रोफाइल एंड आधार, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर डालना है, यानी जो आपको ई श्रम कार्ड पोर्टल पर लिंक है वो मोबाइल नंबर डालना, ये कैप्चा कोड यहाँ डाल के सेंड ओटीपी कर देना। ओटीपी आपके इसी रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेज दिया गया है, आपको यहाँ पर डाल के सबमिट कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, तीनों बॉक्स में यहाँ पे जो भी आधार नंबर है आपका यहाँ पे फिल कर दें आप। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन मिलेंगे, फिंगर का, आयरस का और ओटीपी का। तो देखिए ओटीपी आपको चूज करना है क्योंकि आपके पास फिंगर डिवाइस आयरस डिवाइस नहीं होगी। उसके बाद ये कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे आपको सबमिट कर देना। वैसे यहाँ पे देखिए आपके आधार से जो लिंक मोबाइल है उस पर ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना और यहाँ पे वैलिडेट कर देना है। वैसे देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ का नाम नहीं सो रहा है, डेट ऑफ बर्थ लास्ट के यहाँ पे सो रहे हैं, मेल फीमेल जो भी यहाँ पे सो रहा है। यहाँ पे जो यहाँ का आधार फोटो, यानी जो आगे आधार का फोटो है वो यहाँ पे फोटो रहेगा। अगर आप करना है आपको यहाँ पे अपडेट ई केवाईसी इन्फॉर्मेशन वाली बटन पर क्लिक कर देनी है। तो देखिए यहाँ पे आपका नाम बड़े अक्षरों में लिख के आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा अपडेट प्रोफाइल और दूसरा लिखा डाउनलोड UAN कार्ड। अगर देखिए आप कुछ भी अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपडेट वाली बटन पर क्लिक करके बिल भी एडिट कर सकते हैं, एड्रेस भी अपडेट कर सकते हैं, यानी एजुकेशन क्या है या फिर इनकम क्या है आपकी वो भी अपडेट कर सकते हैं, ऑक्यूपेशन स्किल क्या है वो भी अपडेट कर सकते हैं, बैंक डिटेल भी आप यहाँ पर चेंज कर पाएंगे। अगर जो भी आपने चेंज किया उसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे। अब बात आती है, देखिए हमें यहाँ पर एक डाउनलोड वाली बटन मिलेगी, आपको इस पर टिक करना है। जैसे यहाँ पर टिक करेंगे तो देखिए आपका एक तरफ ई श्रम कार्ड दिखेगा, दूसरी तरफ आपको यहाँ पर सर्विसेज मिलेंगी देखने को, कौन सी सर्विस आप लेना चाहते हैं। अगर आप स्कीम फाइंड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको इस पर टिक कर देना है। और यहाँ पर आपको अनएम्प्लॉयड चूज कर लेना है, आपके पास बीपीएल कार्ड है तो यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना। आपकी इनकम कितनी है जो यहाँ पर डाल देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर पूछा कि आप माइनॉरिटी हैं, अगर हैं तो यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना और गेट स्कीम पर क्लिक कर देना। तो देखिए यहाँ पर स्कीम का टाइटल यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगी और स्कीम का नाम पूरा क्या है वो आपको यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखा है स्कीम के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो भी स्कीम आप पर देख रहे हैं वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही मिलेंगी, जो आप एजुकेशन डिटेल में फिल किए हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना होता है। जो भी आप स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले आपको इस स्कीम के बारे में आसानी से पढ़ भी सकते। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो NCS पोर्टल है, आप उसके थ्रू भी आप ई श्रम कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह कोई स्किल सीखना चाहते हैं तो देखिए आपको इस पर टिक कर देना और क्लिक हियर वाली बटन आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए गाइस आप स्किल इंडिया के पोर्टल पर यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ओवरसीज कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, अगर आप इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी कौशल के लिए आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आप आधार ऑपरेटर का काम करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको UDID कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगी, आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए BCOM ए अप्रेंटिस, अगर आप किसी भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप क्लिक हेयर वाली बटन पर आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आप यहाँ पर अप्रेंटिस पोर्टल की तरफ आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन वाली बटन मिल जाए। तो अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए इनरोल करना चाहते हैं पेंशन के लिए तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में अगर आप डिजिटल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डिजिटल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, तो आपको इस पर टिक कर देना है, ओके कर दे। तो देखिए यहाँ पे आपको डिजी सक्षम की वेबसाइट है, आपको इस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आपको करना हो तो इसे घर बैठे इतनी सारी सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं क्योंकि ई श्रम कार्ड का पोर्टल है पूर्ण रूप से अपडेट कर दिया गया। इसे आप यहाँ पर स्किल भी सीख सकते हैं, माध्यम से आप स्किल भी सीख सकते हैं, नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर कोई आप डिजिटल सर्टिफिकेट इशू कराना चाहते हैं वो भी अगर आप लेना चाहते हैं, डिजिटल ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ में आप यहाँ से आप स्कीम भी पता कर सकते हैं कौन कौन सी स्कीम हमारे लिए है। तो अगर आप इस तरह से देखना चाहते हैं तो वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहले वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।